श्री माता शरण मम, श्री अरविंद शरण मम, स्वामी विवेकानंद की मेरा प्रणाम, और यहाँ जो महान आत्मा बैठे हैं उन लोग को भी मेरा प्रणाम। यहाँ जो प्रश्न आया है, महान लोगों का व्यक्तित्व महान होता है लेकिन आम लोगों का कोई सच्चा व्यक्तित्व नहीं होता है। वास्तव में सच्चे व्यक्तित्व क्या है? हम अपने सच्चे व्यक्तित्व का विकास कैसे कर सकते हैं? ग्रेट पीपुल हैव द ग्रेट पर्सनालिटी, बट द कॉमन पीपुल हैव नो ट्रू पर्सनालिटी। व्हाट एग्जैक्टली इज द ट्रू पर्सनालिटी? हाउ कैन वी डेवलप आवर ट्रू पर्सनालिटी? साधारणतः पर्सनालिटी हम लोग सोचते हैं कि जिसका चरित्र अच्छा है, जो कमिटेड है, जो अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि उसका व्यक्तित्व अच्छा है। उसको सीमा बोल रहे हैं कि नैतिक व्यक्तित्व है, अच्छा व्यक्तित्व है, नैतिक व्यक्तित्व, लेकिन वो सच्चा व्यक्तित्व नहीं है। सच्चा व्यक्तित्व अच्छा बुरा का परे में है। उसको बोलते हैं भगवान का जो इच्छा है, हर आदमी का अंदर में भगवान का इच्छा प्रकट होता है हर मुहूर्त में। भगवान क्या चाहते हैं मेरा अंदर में, मुझे क्यों वो भेजे हैं और मेरे मुझसे वो क्या चाहते हैं। हर व्यक्तित्व को स्वतंत्र भगवान का इच्छा है। उसको जो पहचान पाता है, जान पाता है, और उसी हिसाब से अगर उनका जीवन को आगे ले जाता है, उसको बोलते हैं कि सच्चा व्यक्तित्व, दिव्य व्यक्तित्व। हम लोग जिसको व्यक्तित्व बोलते हैं, हमारा सामने जो दिखाई देता है, हाँ ये अच्छा है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, चरित्रवान है, किसी का नुकसान नहीं करता है, इसको माता जी बोल रहे हैं ये अच्छा है, अच्छा व्यक्तित्व है, उत्तम है, लेकिन वो सच्चा व्यक्तित्व नहीं। सच्चा व्यक्तित्व जब भगवान का इच्छा हर मुहूर्त में हम लोग प्रकट कर सकें। वो दुनिया का हिसाब से खराब भी हो सकता है, दुनिया उसको पहचान नहीं पाएगा तो उसको बोलेगा ये क्या है, हनुमान जी जो किए हैं, जाकर लंका ध्वंस कर दिए, उसको कौन सा समाज अच्छा बोलेगा। लेकिन वो सच्चा व्यक्तित्व का काम है, क्योंकि भगवान चाहते हैं, भगवान समग्र दुनिया के लिए जो अच्छा है वो करेंगे, बाहर को दिखाई नहीं चलेगा। जिसका अंतरात्मा जागृत नहीं है, उसको वो पहचान नहीं पाएगा ये काम क्या हो रहा है। अर्जुन का अच्छा व्यक्तित्व था, वो बोल रहा था कि युद्ध क्यों करूंगा, मेरा अपना ही लोग मर जाएंगे, ये राज्य लेकर क्या फायदा है अगर मेरा अपना आदमी मर जाएंगे। इसको समाज अच्छा व्यक्तित्व बोलेगा जरूर, इससे अच्छा व्यक्तित्व क्या है। लेकिन श्री कृष्ण बोले हैं कायरतक मत करो, इसको कायरतक बोले थे, कायरपन मत दिखाओ, युद्ध करो, तुम्हारा अपना लोक के लिए नहीं, समग्र जगत के लिए ये बुराई करना जा रहे हैं दुर्योधन, उसके लिए युद्ध करना है। तो समाज को पता नहीं चलता है क्या सच्चा व्यक्तित्व है, दिव्य व्यक्तित्व है, क्योंकि उसको दिखाई नहीं देता है क्या करना है। उसको जितना दिखाई देता है उसी हिसाब से वो जो काम करते हैं उसको बोलता है अच्छा व्यक्तित्व, उत्तम व्यक्तित्व। इसीलिए हम लोग को साधारण आदमी हम लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा व्यक्तित्व ही नहीं है, क्योंकि कब क्या करता है पता नहीं, जो भी अंदर में आ जाते हैं कर देते हैं, हमारा पर्सनालिटी नहीं है, हम अपने आप को कंट्रोल नहीं करते हैं। अगर क्रोध आ गया तो दो गाली दे दिया, प्यार आ गया तो मिल गया,
क्या कब करेंगे पता नहीं हम लोग का। अभी हम लोग अच्छे से बैठे हैं, 5 मिनट के बाद क्या होगा पता नहीं, क्योंकि हमारा पर्सनैलिटी ही नहीं है। उसको बोलते हैं साधारण जीवन हम लोग जीते हैं। मुझको पता नहीं मैं क्या करूँगा 5 मिनट का बाद, यही है हमारा साधारण जीवन का चर्चा। उससे निकलना है, उससे निकलकर वो जो दूसरा व्यक्तित्व है उसको बोलते हैं उत्तम व्यक्तित्व, उस वहाँ पहुँचना है। साधारण व्यक्तित्व क्या है, अपना स्वार्थ है और कुछ नहीं है। अपना स्वार्थ के लिए मैं जो भी कर पाऊँगा, एक आदमी को खून भी कर दूंगा, जो भी कर सकता हूँ मैं, अपना स्वार्थ मुख्य है और कुछ नहीं है। उसके लिए मैं क्या करूँगा पता नहीं। उससे निकलना है, उत्तम कार्य करना है। उत्तम कार्य का मतलब जितना मुझे दिखाई देता है ये उत्तम है। दूसरों को, दूसरा का अगर तकलीफ होता है तो ठीक है, मेरा स्वार्थ है। दो टाइप ऑफ उत्तम कर्म है, एक है मेरा स्वार्थ को मैं देखता हूँ, अगर उसका अंदर में कुछ किसी आदमी का उत्तम भलाई हो जाता है तो वो भी करूँगा। सपोज मैं यहाँ से दिल्ली गया हूँ, वहाँ ड्रेसेस जो है वो चीप में मिलता है, मेरे लिए खरीद लिया और मेरा जो पड़ोस है उनके लिए भी खरीद लिया। उनको जाकर जब दे दिया वो खुश हो गया क्योंकि कम रेट में मिल गया, मेरा तो नुकसान नहीं हुआ, मेरा स्वार्थ ऐसा ही रहा, मेरा फायदा नहीं हुआ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मैं कुछ उत्तम काम किया हूँ, मेरा स्वार्थ का ऊपर आंच नहीं आया, ऐसा एक उत्तम कर्म होता है। उससे और भी अच्छा उत्तम कर्म है, मेरा स्वार्थ चले जाए लेकिन बहुत आदमी का अगर फायदा होता है, मेरा स्वार्थ उसमें कुछ नहीं है, इससे अच्छा उत्तम कर्म है। सपोज आप, आपका विराट जमीन है, बहुत बड़ा जमीन है, उस तरफ में एक नदी है, पानी बहता है, गांव लोग को वहां जाने के लिए आपका जमीन का थ्रू में जाना है। वो लोग आकर आपको बोलेंगे हम लोग को एक रास्ता दीजिए, आप बोलेंगे ठीक है, क्योंकि मेरा एक वन एकर चले जाता है ठीक है, मेरा नुकसान होता है, लेकिन अगर गांव का उपकार होता है, गांव का अगर भलाई होता है, मेरा नुकसान उसके सामने कुछ नहीं है। तो ये उत्तम कर्म है, निस्वार्थ उत्तम कर्म। उत्तम कर्म स्वार्थ को लेकर भी होता है, लेकिन पहला जो आदमी है वो किसी का उत्तम कर्म सोचते ही नहीं, वो अपना स्वार्थ के लिए जो भी करना चाहता है, उसका बाद में वो आ जाता है उत्तम कर्म। उत्तम कर्म में दो टाइप होता है, एक है अपना स्वार्थ को रखता है लेकिन दूसरे को अगर हेल्प कर सकते हैं तो करते हैं, तीसरा है मेरा स्वार्थ को भी बलिदान दे सकता हूँ। अगर बहुत आदमी का, समाज का उपकार होता है, भलाई होता है, तब मैं बलिदान दे सकता हूँ, उसको बोलते हैं उत्तम कर्म। वहीं से पर्सनैलिटी शुरू होता है, जो अपना स्वार्थ को छोड़कर जगत का कल्याण के लिए जितना वो देख पाता है, उसको पता नहीं कौन सा ठीक क्या कौन सा भूल, बाद में जब आध्यात्मिक होगा पता चलेगा, लेकिन उसका अंदर में जितना दिखाई पड़ता है उतना अगर करता है उसको बोलते हैं उत्तम व्यक्तित्व। उसका बाद आता है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म आपका भलाई है या अच्छाई है वो नहीं देखता है, जो उचित है वो करता है, उसके लिए अगर नुकसान भी होता है तो करना है। वो कार्य का जो कार्य है वो कार्य महान है और उससे वो आनंद लेता है, उसे फायदा नहीं लेता है, वो काम करने में आनंद लेता है, उसको बोलते हैं हम लोग निष्काम कर्म। उसमें उसका पीछे उनका कामना नहीं है, वो कार्य में ही आनंद लेता है। ये निष्काम कर्म एक स्वच्छ स्थिति ले आता है हम लोग को, जैसा एक दर्पण जैसा, मिरर जैसा हो जाता है हमारा व्यक्तित्व, उसका ऊपर भगवान का इच्छा प्रतिफलित होता है, तब पता चलता है भगवान का इच्छा क्या है। तब तक हमको पता नहीं होता है भगवान का इच्छा क्या है, क्योंकि ये तो क्लियर नहीं है ना। अगर पानी क्लियर नहीं है उसमें मेरा फेस नहीं दिखाई देगा, पानी अगर स्वच्छ है तब मेरा फेस मुझे दिखाई देगा। ऐसा ही मैं अगर निष्काम कर्म का स्थिति में आ गया हूं तब भगवान का इच्छा वहां प्रकट होगा,
पहले भी प्रकट होता था लेकिन पता ही नहीं चलता था, अभी प्रकट होगा उससे मैं देख पाऊंगा वो मुझसे क्या चाहते हैं। बहुत आदमी है देख पाते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, इतना उसके लिए एक ट्रेनिंग होना पड़ता है, क्योंकि उनका जो दुनिया है वो दुनिया और भगवान जो चाहते हैं उसमें भी फर्क आ जाता है। अगर फर्क आ जाता है तो वो करने के लिए साहस नहीं होता है। तो वो जो भगवान का इच्छा को साकार करने के लिए तपस्या करना पड़ता है, साधना करना पड़ता है। जब हर मुहूर्त में जो वो चाहते हैं वही करता हूं, करने के लिए प्रयत्न करता हूं, उसको बोलते हैं सच्चा व्यक्तित्व। ये जन्म जन्म लग जाता है, मेरा जो सच्चा व्यक्तित्व इस जन्म से दूसरा जन्म को जाएगा, अच्छा व्यक्तित्व यहीं पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो मन का स्थिति है, मन चले जाते हैं उसका साथ वो अच्छा व्यक्तित्व चले जाते हैं। सच्चा व्यक्तित्व आत्मा का है, आत्मा फिर आएगा उसका साथ, मैं जितना व्यक्तित्व को बनाया वो भी दूसरा जन्म में वहीं से शुरू होगा, यहाँ का क्लोजिंग बैलेंस वहाँ का ओपनिंग बैलेंस होगा। जो कैश बुक मेंटेन करते हैं वो समझ में आ जाएंगे कि अभी अगर आपका मंथ एंड में 20,000 है तो दूसरा मंथ का बिगनिंग में वो 20,000 से शुरू होता है। साधारण व्यक्ति का नेक्स्ट जन्म में जीरो से शुरू होता है क्योंकि कुछ अर्न नहीं किया। उत्तम कर्म भी वहां नहीं जाता है, वो भी खत्म हो जाता है इधर। केवल दिव्य कर्म, भगवान का साथ, आत्मा प्रेरित कर्म आपका कंटिन्यू होता है दूसरा लाइफ को। इसीलिए कुछ कुछ आदमी को हम लोग देखते हैं जन्म से वो भगवान का काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, प्रहलाद जैसा, ध्रुव जैसा, विवेकानंद जैसा, हमारा जो शंकराचार्य जैसा, वो कैसे पैदा हो जाते हैं, क्योंकि उन लोग का पहले का जो क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस से आ जाता है शुरू से। तो हम लोग को वही काम करना है कि भगवान हमारे अंदर में क्या चाहते हैं उसी को जानने के लिए ये जीवन है। उसका अलावा आप जो भी किए हैं वो आपका साथ नहीं रहेगा। 5-storied बिल्डिंग कर दिया, मरने के बाद क्रेन से ले जा पाएंगे क्या? बहुत बड़ा क्रेन भी लेकर आएंगे, बोलेंगे इसको मैं ले जाऊंगा मेरा साथ, दूसरा जन्म जब आएगा वहीं पे स्थापित कर लूंगा, होगा? कुछ भी नहीं ले सकते हैं, जो ले सकते हैं वही है पर्सनालिटी, उसी को बोलते हैं व्यक्तित्व। भगवान का साथ जो संपर्क, भगवान का इच्छा को साकार करने का जो इच्छा, वही हमारे साथ जाता है, बाकी सब हमको छोड़ना पड़ता है।